केदारनाथ की राइड है। अब मेरे को पता नहीं प्लेटिंग जा पाएगी नहीं जा पाएगी केदारनाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। तो मतलब हमारे राइड के कुछ दिन बाकी रह गए, मतलब 3 दिन और। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाइक की सर्विस करा ली जाए। तो बाइक की सर्विस भी करानी है और उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो भी ठीक करा ली। हेलो 1 2 3 बाइक टेस्टिंग चलू गई वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं हमारी प्लेटिना की सर्विस करवाने, क्योंकि सर्विस इसकी बहुत दिनों से पेंडिंग थी और इसके जो मीटर है किलोमीटर और स्पीड दोनों ख़राब है। एक चीज़ और दिखाऊंगा अभी रुक के, तो वो भी इसकी बिल्कुल ये मान लो ख़राब हो चुकी है। तो सोच रहा हूँ वो भी सही करा लूँ। और बड़े दिन बाद चला रहा हूँ तो इसका भी एंगल का आइडिया नहीं है। अभी विक्रांत का आइडिया नहीं था पहले, अब इसका एंगल का। एक चीज़ दिखाऊँ क्या हो रखा है बाइक में, ये देखो भाई साहब स्क्रैच हो रखे हैं। यहाँ पर गिर गई थी, मेरे से नहीं गिरी किसी और से। ये देखो हेडलाइट पूरी अंदर जा रही है, लॉक वॉक टूट गए आए थे इसके, तो ये किसी से गिर गई थी, मेरे से तो नहीं गिरी खैर। और यहाँ पे स्टिकर लगाए थे मैंने उदयपुर से कुछ, तो वो मैंने हटा दी, उसके चक्कर में बहुत सारे स्क्रैच हो गए उनको छुड़ाने के चक्कर में। और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, मतलब चलाने की भी इच्छा नहीं हो रही इतनी गंदी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी सर्विस करवा ली जाए और राइड से पहले पहले सारे काम निपटा दिए जाएँ। जो नया हेलमेट है हमारा देखना चाहे दिख रहा हो अब शायद, तो इसमें हमने हमारा नया मोटर ब्लॉक सेटअप वापस से रेडी कर लिया है। आई होप आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो मैं एडिट करने बैठूंगा जब पता लग जाएगा और फिर से दोबारा सेट कर लेंगे। अब हमारा गोप्रो एकदम टनाटन चल रहा है बिल्कुल झकास। और बड़ा अच्छा सा लग रहा है बड़े दिनों बाद ये चला के। राइड हम करने वाले हैं प्लेटिना के ऊपर ही। राइड मेरे हिसाब से कम 2000 किलोमीटर की तो होगी मेरे हिसाब से। जाना आना भाई साहब खम्बो की इतनी बीच में इतनी जगह से। और ये क्या अच्छा झूल रहे हैं, मैं देखे बच्चे को कौन भान गया इधर झूल रहा था उसके ऊपर। मैं तो एक बार कन्फ्यूज़ हो गया, वो नीचे गया सामान गिर गया होगा कोई उसका, तो उसको उठा रहा था मैं, देखा यार ये बच्चे को कौन भान गया। मेरे को पता है रील्स के गाने से याद से आते रहते हैं पर वो जुबान पे नहीं आते बस दिमाग में आ रहा है जुबान पे नहीं आ रहा ऐसा कभी होता है आपके साथ होता है तो भाई बताना मेरे को भी, या पता नहीं मेरे साथ ही होता है ऐसा कि रील का गाना मेरे दिमाग में आ रहा है पर जुबान पे नहीं आ पा रहा। और आई होप इस राइड पे तो ये मान लो दबा के मज़ा आने वाला है मेरे को तो, और ब्लॉग करूँगा तो आप लोगों को मतलब घर बैठे बैठे मज़ा दिलाऊँगा। तो इसी बात पर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और राइड बता दूँ मैं केदारनाथ की राइड है। अब मेरे को पता नहीं प्लेटिन जा पाएगी नहीं जा पाएगी केदारनाथ, पर हम लेके ज़रूर जाएंगे भाई। मैं नकटा आदमी हूँ बड़ा ही अश्लील, तो मैं लेके जाऊँगा प्लेटिना। मेरे को लोगों ने मना किया मत जाना प्लेटिना लेके, नहीं खुश हो जाएगी वहाँ पे। अब भाई जो होगा जो देखा जाएगा, खुश होगी तो हो जाएगी नहीं होगी तो चली जाएगी। और ऐसे जाके रहूँगा प्लेटिना ले जाके, 18 साल का लोटा लेके गया सोच लीजिए कि प्लेटिना वो भी जयपुर से केदारनाथ, ऐसे पेपर में न्यूज़ आनी चाहिए 18 साल का लौंडा सेकंड ईयर का स्टूडेंट लेके गया बजाज की प्लेटिना, वो भी सोच लीजिए कि 25,000 किलोमीटर चली हुई केदारनाथ, 2,000 किलोमीटर की दूरी तय की प्लेटिना के ऊपर। ऐसे मतलब थोड़ा मसाला लगा के नहीं आती न्यूज़ हेडलाइन, उस तरह से न्यूज़ आ जाएगी मेरे को ऐसा लगता है। बट एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी नाम आएगा। हमारा सर्विस सेंटर किधर गया भैया जी? उरा आ जाओ। तो जी सर्विस हो गई है गाड़ी की, चमचम आ गई है और अब चलाने में भी थोड़ी बढ़िया लग रही है। हेडलाइट थी तो उसका जो लॉक टूट गया था वो उन्होंने फिक्स करवा दिया, मतलब फेवी क्विक वगैरह से उन्होंने अंदर से चिपका दिया, बोला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और माइक आई थिंक सही प्लेस पे लगा हुआ होगा। और क्या चेंज हुआ है, और आगे के ब्रेक शू चेंज हुआ है, और पीछे का ब्रेक थोड़ा बैठ रहा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि गीला है इस वजह से नहीं बैठ रहा, अगर नहीं बैठता तो आप चेंज करा लेना। वैसे पीछे का मैंने अभी लास्ट सर्विस पर ही चेंज करवाया था। और क्या चेंज हुआ है गाड़ी में, और ऑयल फिल्टर डला है, ऑयल डला है, और क्या था, और भी कुछ चीज़ें डली है। गाड़ी एकदम टकाटक हो गई है और अब मेरे को ऐसा लग रहा है घर पहुँचते इस रास्ते जाऊँगा तो गंदी हो जाएगी पूरी वापस। पीछे के ब्रेक से सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ यार मैं, मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा पीछे का ब्रेक लगाने में मेरे को अभी। वैसे चमचम आ रही है गाड़ी, यहाँ पे थोड़े बहुत वो स्क्रैचेस वगैरह थे वो पॉलिश से नहीं दिख रहे हैं, थोड़े कम दिख रहे हैं।
ऐसा नहीं कहे, पहले तो ऑफ रोडिंग में से मजा आता था, आजकल तो अंदर की कोशिका हिल जाती है मेरे अंतरात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है दचकों में। भाई साहब साइड में ले लेना चुपचाप। हाँ मैं लहरता आ रहा हूँ अभी, खुद तो जाऊँगा आपको और साथ लेके जाऊँगा। और ये यहाँ पे कोई ना कोई मिलेगा आई थिंक। ब्रेक अब थोड़े थोड़े ठीक आ गए हैं कार पिन की वापस आई थिंक। हाँ अब ठीक लग रहे हैं यार पीछे का ब्रेक, अगर नहीं बैठेगा तो अभी अपने पास 4 दिन और है, 4 दिन में ठीक हो जाता तो है ही नहीं। जयराम जी की चेंज कराना पड़ेगा और पैसे लगाओ। अच्छे से पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा है, थोड़ा हल्का हल्का। और मीटर की केबल भी चेंज हुई है, मैं भूल गया था कि मीटर हमारा बंद पड़ा था ना तो इसकी केबल ख़राब हो गई थी। आज यार इतनी मिट्टी कैसे उड़ रही है, मेरे तो यही चीज़ समझ नहीं आ रही, आगे तक दूर दूर तक मिट्टी मिट्टी दिख रही है। काम लगी हुई है फिर भी हम राइड पे जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत घूमने के नाम से सही हो जाती है ऑटोमेटिक। तो बांसवाड़ा गया था ना भाई साहब, ये मान लो ऐसे चलने की भी बस की नहीं थी, बस जैसे ही पता चला ना भाई घूमने चलना है, आधे घंटे के अंदर प्लान बना, प्लान बनते टिकट बुक कराई, टिकट बुक करा के सीधा पहुँच गए बांसवाड़ा रातों रात। मेरे ना प्लान अनप्लैंड होते हैं सारे प्लान, ये तो केदारनाथ ना मैंने बता दिया कि वैसे हाँ कि वैसे ये जो केदारनाथ का प्लान है ना ये बड़े दिनों से बन रखा है, बड़े जमाने से, जमानों तो नहीं कह सकते कुछ महीनों से, जो कि सफल नहीं हो रहा था। यार ये इतनी तेज़ गाड़ी लेके कौन गया, कोई कार गई है भगाते हुए गया भाई साहब, कार नहीं थार है भाई साहब, मतलब पैसे वसूल कर रहा है थार के, मिट्टी मिट्टी उड़ा गया मेरा पूरा वाइज़र गंदा कर देगा, नया का नया हेलमेट वाइज़र और मेरी स्क्रीन भाई दूर दूर तक इसमें तो गोप्रो में दिख रही भी नहीं होगी, ऐसी मिट्टी मिट्टी छाई हुई है, थार गई है ऐसे मिट्टी मिट्टी उड़ा के भयंकर वाली। आगे हमारे सूर्य देवता जा रहे हैं, मतलब पूरा पूरे सूर्य देवता दिख रहे हैं पूरे बड़े बड़े से आग के गोले की तरह। इस वाली गाड़ी की परसों सर्विस हुई इसकी आज, और इसकी सर्विस 1-2 दिन में होगी।